अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, सब ठीक ठाक हैं? तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम, व्यूमेन क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है पाकिस्तान के दौरे पर और आज से उनकी T20 सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। तो बहुत से दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि यार हमारे पास तो इंटरनेट बहुत लो स्पीड का है और हमारे पास एप्लीकेशन भी ओपन नहीं हो रही, बुफरिंग होती रहती है, स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं होती, तो हम ये मैच किस तरह इंजॉय करें, किस तरह क्रिकेट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हम देखें। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का बहुत ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ, कहाँ से हम लो इंटरनेट स्पीड के साथ भी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है पाकिस्तान में, तो उनके मैचेस आज से स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्त मुझसे पूछते हैं कि इनकी स्ट्रीमिंग हम कहां देखें, तो सबसे पहला ऑप्शन तो है टेलीविज़न के ऊपर, हम इनकी पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर, ए स्पोर्ट्स के ऊपर हम इनकी स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। लेकिन कुछ फिर दोस्त कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बैठ के देखें, हम चाहते हैं हम अपने फ़ोन के ऊपर ही इसकी स्ट्रीमिंग देख सकें। तो उसके लिए हमारे पास जो एप्लीकेशन है पीटीवी स्पोर्ट्स वगैरह एप्लीकेशन इंस्टॉल है, लेकिन वो लो इंटरनेट स्पीड की वजह से वहाँ पर स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं होती, वो जस्ट बुफरिंग ही करता रहता है। तो उसके लिए मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले इनके 3 T20 मैचेस हैं, इसके अलावा 3 ODI मैचेस हैं, इसकी ये सीरीज है। जो पहला T20 मैच है वो आज से 24 मई से स्टार्ट हो गया है, दूसरा मैच जो है वो 26 मई को, जबकि तीसरा मैच 28 मई को होगा। और इसी तरह ODI सीरीज जो है वो 1 जून से स्टार्ट होगी, पहला मैच 1 जून को, दूसरा मैच 3 जून को, और जबकि तीसरा मैच 5 जून को होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रीमिंग हम एप्लीकेशन और टेलीविज़न के अलावा कहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे लो इंटरनेट भी हो तो हमारी स्ट्रीमिंग चलती रहे। तो उसके लिए हमें YouTube के ऊपर इसकी जो स्ट्रीमिंग जो है वो मिल जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट जो है इसका चैनल है, ये PCB का ऑफिशियल YouTube चैनल है, इसके ऊपर ये देखें ये स्ट्रीमिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलती है और इस पर हमें बुफरिंग का सामना भी नहीं करना पड़ता और यहाँ पे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे मेन खासियत इसकी यही है कि लो स्पीड के ऊपर हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और इसमें बुफरिंग बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये देखें, मैंने आपके सामने ये प्ले किया है, यहाँ पे ये मैच चल रहा है। अब आप ये चेक करें, इस पर मेरा सिम डाटा ऑन है लेकिन इस पर कोई बुफरिंग नहीं है और रिज़ल्ट भी बहुत प्यारा है, हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट के साथ। और इसके अलावा मज़ीद अगर हमारे पास कोई बेहतर नेट इंटरनेट सर्विस चल रही है तो हम इस पर 1080 पिक्सल तक इसका रिज़ल्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तक हमारी जो है इसमें अवेलेबिलिटी है। क्रिकेट मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग हम YouTube के ऊपर देख सकते हैं, इस बारे में बताया। और सिर्फ ये आज के ही मैचेस नहीं बल्कि इसके ऊपर तमाम जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उनकी स्ट्रीमिंग तमाम की तमाम इस YouTube चैनल के ऊपर होती है। ये PCB का ऑफिशियल YouTube चैनल है, इसके ऊपर हम लो इंटरनेट स्पीड के साथ अपना लाइव स्ट्रीमिंग को इंजॉय कर सकते हैं, अपने क्रिकेट मैचेस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये तरीका बताया कि हम लाइव स्ट्रीमिंग किस तरह से देख सकते हैं लो इंटरनेट स्पीड के साथ। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं फिर कभी एक और नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।